अपने विश्वविद्यालय में सेना के बेमिसाल टैंक को लाने की समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो गई। सेना ने सोवियत संघ के समय का T-55 जंगी टैंक आजम खान के विश्वविद्यालय को तोहफे में दिया है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस टैंक को प्रदर्शित किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत आती है जिसे खान का परिवार चलाता है। बीते साल आजम खान ने सेना अध्यक्ष बिपिन रावत से जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक जंगी टैंक की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सेना से ऐसा टैंक मांगा गया जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हो, जिससे कि छात्रों को सेना के हथियारों के बारे में जानकारी दी जा सके। यह टैंक अहमदाबाद से रामपुर भेजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल हरीश ठुकराल ने एक समारोह में यह टैंक खान को सौंपा। टैंक को विश्वविद्यालय की मुख्य इमारत के सामने लगाया गया है, जहां से यह पूरे कैंपस की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। वहीं आजम खान का कहना है कि मैं कैंपस में वायुसेना के विमान और फाइटर जेट भी लाना चाहता हूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकें। बताया जाता है कि T-55 जंगी टैंक को 1968 में सेना में शामिल किया गया था और यह 2011 तक सेना में रहा। साल 1971 के युद्ध में इस टैंक का इस्तेमाल किया गया था। यह टैंक रात को देखने के अलावा परमाणु, जैविक और केमिकल विस्फोट से भी सुरक्षित रह सकता है।